तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही कम प्राइस में एक ऑटोमेटिक ऑटो कट 12 वोल्टेज का चार्जर बना के दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, इस चार्जर को बनाने के लिए यहां पे हम 0-12 का ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं और ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। अब इसके साथ में भी हमें काफी सारी चीज यूज करनी है। तो यहाँ पे देखिए हम एक कैपेसिटर यूज करेंगे और ये जो कैपेसिटर है ये हमारा 50 वोल्ट 1000 UF का है। और उसके बाद यहाँ पे हमें एक पोटेंशियोमीटर की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये 47K का हमारा पोटेंशियोमीटर है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमें एक रिले की जरूरत पड़ेगी, तो ये 12 वोल्टेज की रिले है। और इसके साथ में देखिए फ्रेंड, हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है, तो यहाँ पे हम 4 डायोड का भी यूज करेंगे। और ये जो डायोड है इसका नंबर मैं आपको दिखा दूँ, ये जो डायोड है ये 5408 नंबर का हमारा डायोड है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हम एक रेड और ग्रीन कलर के LED का यूज करेंगे और उसके साथ में हम एक 1K का रेजिस्टेंस यूज करेंगे। तो इतना सामान लगेगा इस ऑटोकट चार्जर को बनाने में। अब चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें इसका यूज करना है। तो देखिए फ्रेंड, किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर आपको इस टाइप का जो ट्रांसफार्मर आता है 0-12 का, उसके अंदर आपको 2 वायर इस साइड में मिलेगी, 2 इस साइड में मिलेगी। तो एक साइड यहाँ पे रेड वायर है और एक साइड हमारी ब्लू वायर है। तो ये जो रेड वाली वायर होती है ये हमारी प्राइमरी वायर होती है, जो ब्लू वाली वायर है ये हमारी सेकेंडरी वायर है। तो यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है फ्रेंड, ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसका काम क्या होता है कि ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जैसे कि यहाँ से हम AC 220 वोल्टेज इसको देंगे तो यहाँ पे AC 12 वोल्टेज के आसपास हमें देगा। लेकिन हमें AC को DC बनाना है, तो DC को बनाने के लिए यहाँ पे हम डायोड का यूज करते हैं। ये जो 4 डायोड मैंने आपको दिखाया था, इस डायोड का यूज करेंगे। अब इस डायोड से हमें क्या बनाना है, ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। तो ब्रिज रेक्टिफायर कैसे हम बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो डायोड होता है, कोई भी आप डायोड ले लो, तो डायोड के अंदर क्या होता है, एक साइड हमारा एनोड होता है, एक साइड कैथोड होता है। जैसे कि ये वाला जो है ब्लैक वाली साइड, ये हमारा एनोड है और ये सिल्वर वाली साइड होता है ये कैथोड होता है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, ये हमारा माइनस है और ये हमारा प्लस है। सिल्वर वाली साइड हमारा माइनस होता है और ब्लैक वाली साइड हमारा प्लस होता है। लेकिन जब हम 4 डायोड को जोड़ के एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं तो वहां पे उल्टा हो जाता है, सिल्वर वाली साइड हमारा प्लस होता है और ब्लैक वाली साइड हमारा माइनस होता है। लेकिन सिंगल डायोड के अंदर ऐसा नहीं होता, सिंगल के डायोड के अंदर ब्लैक वाली साइड प्लस और सिल्वर वाली साइड माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, 2 डायोड को लेना है। इस तरीके से 2 डायोड को लिया और दोनों डायोड को सिल्वर वाली साइड से हमें इस तरीके से यहाँ पे मोड़ देना है। देखिए इस तरीके से लेके हमें इसको मोड़ देना है। आप प्लस की भी मदद ले सकते हो क्योंकि इसकी वायर काफी हार्ड होती है, क्योंकि ये जो डायोड है हमारा 3 एम्पेयर का डायोड है। 5408 नंबर का हम डायोड यूज कर रहे हैं तो ये 3 एम्पेयर तक का लोड उठा सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको लगा दिया, यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने जोड़ लिया। और बाकी के जो 2 डायोड बचे हैं इसको हम ब्लैक वाली साइड से इसी तरीके से मोड़ लेंगे। तो इसको भी मैं इसी तरीके से मोड़ लेता हूँ। देखिए इस तरीके से हम मोड़ेंगे और उसके बाद प्लास की मदद से इसको अच्छे तरीके से हमें मोड़ देना है। इसके अंदर लूजिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, स्पार्किंग वगैरह होती है। तो इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको मोड़ देना है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसको ब्लैक वाली साइड से मोड़ा है और इसको हमने सिल्वर वाली साइड से मोड़ा है। अब ये जो डायोड है इसके अंदर आप इस डायोड को जो इस तरीके से मोड़ो या फिर इस तरीके से मोड़ो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम इस डायोड को भी अच्छे तरीके से मोड़ लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने वायर को बिल्कुल अच्छे तरीके से मोड़ लिया है और यहाँ पे ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बनके कंप्लीट हो गया है। अब ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है फ्रेंड, इसका काम क्या होता है कि ये AC वोल्टेज को DC में कन्वर्ट करता है। तो इसके अंदर देखिए टोटल हमारी 4 लेग हैं, 2 इस साइड में और 2 ऊपर साइड में। तो इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि AC वाली वायर किस साइड जोड़नी है और DC हमें किस साइड में मिलेगी, तो इसका बिल्कुल आसान सा तरीका है। बिल्कुल ध्यान से देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसके अंदर क्या है, मैं बिल्कुल जूम करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीजें। इसके अंदर क्या है फ्रेंड, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे क्या है, इसके अंदर ये डायोड का ब्लैक साइड और इस डायोड का सिल्वर डायोड इस साइड में आया हुआ है। और इसी तरीके से देखिए एक डायोड का सिल्वर साइड और दूसरे डायोड का ब्लैक साइड इस साइड में आया हुआ है। तो ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी AC वाली वायर जुड़ेगी, ठीक है, इस साइड में हमारी AC वाली वायर जुड़ेगी, ये समझ आ गया आपको। और उसके बाद देखिए फ्रेंड, इसके अंदर देखिए दोनों डायोड का ब्लैक साइड इस साइड में जुड़ा है और दोनों डायोड की सिल्वर वाली साइड इस साइड में जुड़ी हुई है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि सिंगल वाले डायोड के अंदर क्या होता है, सिल्वर वाली साइड हमारी माइनस होती है, लेकिन यहाँ पे हमने ब्रिज रेक्टिफायर बना लिया। तो अब
क्या होगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे दोनों डायोड की सिल्वर वाली साइड है, तो यहाँ पे अब हमारी प्लस सप्लाई मिलेगी और इस साइड में हमें माइनस सप्लाई मिलेगी ब्लैक वाली साइड में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर एक कैपेसिटर लगाना है। तो यहाँ पे देखिए हम इसके साथ में ये कैपेसिटर यूज करेंगे। तो ये जो कैपेसिटर है मेरे पास 50 वोल्ट 1000 UF का है, आप इसकी जगह पे 25 वोल्ट 1000 UF का भी लगा सकते हो। तो मेरे पास नहीं था इसलिए मैं 50 वोल्टेज का लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको लगाना है। तो इसके अंदर क्या होता है, इस कैपेसिटर के अंदर हमारा प्लस माइनस होता है। तो नए कैपेसिटर के अंदर हमेशा आपको एक लेग बड़ी एक लेग छोटी मिलेगी। तो बड़ी वाली हमारी प्लस की होती है और छोटी वाली लेग हमारी माइनस की होती है। बाकी आप देख के भी पहचान सकते हो, इस साइड में देखिए एक माइनस का सिंबल बना है, तो इससे भी पता चल गया कि ये माइनस की है और ये प्लस की है। तो इसको हमें प्लस माइनस देख के लगाना है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था दोनों सिल्वर वाली साइड हमारी प्लस होगी और दोनों ब्लैक वाली साइड हमारी माइनस होगी। तो इसको हम फटाफट यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट इसको लगा लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने कैपेसिटर को जोड़ लिया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा लेग है इसको हम काट देंगे। देखिए इस तरीके से हमें काट देना है, एक्स्ट्रा लेग का कोई भी काम नहीं है। इस साइड में देखिए यहाँ पे हम इसको काट देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको कैपेसिटर को लगा लिया। अब उसके बाद ये जो लेग है ये मैंने आपको बताया दिया है, ये हमारी एसी सप्लाई की है, तो इसके अंदर तो कोई वायर का चक्कर है ही नहीं, तो कोई भी वायर किसी भी साइड में लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये जो हमारी नीली वाली वायर है ये हमारी सेकेंडरी वायर है। तो यहाँ पे हम इस वायर को, एक वायर को यहाँ पे जोड़ेंगे और दूसरे वायर को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो मैं फटाफट यहाँ पे वायर को जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर वाली दोनों वायर को जोड़ लिया है। अब उसके बाद ये जो दो पॉइंट हैं हमारे प्लस माइनस के, तो यहाँ पे हमें एक रेड और ब्लैक कलर की वायर जोड़नी है। तो यहाँ पे मैं फटाफट वायर को जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दो वायर को जोड़ लिया है। तो यहाँ तक ये हमारा नॉर्मल चार्जर बन के कम्प्लीट हो गया है। इससे आप किसी भी 12 वोल्टेज बैटरी को चार्ज कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम एक ऑटो कट वाला सर्किट बना रहे हैं जिससे हमारी बैटरी फुल हो जाने पे ऑटोमेटिक सप्लाई बंद हो जाए। तो यहाँ पे इसके लिए हमें सर्किट बनाना है, तो इसको एक बार मैं साइड में रख देता हूँ। अब हम एक ऑटो कट सर्किट पहले बना लेते हैं। तो ऑटो कट सर्किट बनाने के लिए देखिए हमें एक रिले की जरूरत पड़ती है। अब ये जो रिले मैं यूज कर रहा हूँ ये 12 वोल्टेज की रिले है। और रिले के अंदर क्या होता है कि एक साइड तो हमारी 3 लेग होती है, एक साइड हमारी 2 लेग होती है। तो इसके अंदर क्या है, ये जो बीच वाली पिन होती है ये हमारी कॉमन होती है और ये जो साइड वाली पिन होती है ये हमारी रिले की होती है, यानी रिले आपस में जुड़ी होती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक वायर लेनी है, छोटी सी वायर का टुकड़ा ले लेना है। ये देखिए इस टाइप का मेरे पास वायर का टुकड़ा है। इसको हमें क्या करना है, ये जो कॉमन वाली यानी बीच वाली पिन है और ये जो साइड वाली पिन है इसको हमें इस तरीके से जोड़ देना है। देखिए इस पिन को हम इस तरीके से जोड़ेंगे। तो मैं फटाफट यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। रिले की पिनों को शॉर्ट कर लिया है एक वायर से, आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने इसको शॉर्ट किया है। अब यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा लेग है इसको हम यहाँ से काट देंगे। ये देखिए यहाँ मैंने काट दिया, इस तरीके से मैंने दो पिन को शॉर्ट किया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड हमें लेना है अपना पोटेंशियोमीटर। अब ये जो पोटेंशियोमीटर है ये 47K का है, तो आप 10K का भी ले सकते हो, 100K का भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इसके अंदर हमारे 3 पिन है, तो ये जो बीच वाली पिन है इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। देखिए यहाँ पे इसको हमें लगाना है। तो यहाँ पे मैं इसके साथ में इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड कुछ इस तरीके से मैंने पोटेंशियोमीटर की 2 नंबर पिन को जोड़ लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड हमें लेनी है एक रेड कलर की एलईडी। तो यहाँ पे मेरे पास रेड कलर की एलईडी है और एलईडी के अंदर जब आप नई एलईडी लेते हो तो उसके अंदर एक लेग आपको बड़ी मिलेगी, एक लेग छोटी मिलेगी। तो जो बड़ी वाली लेग होती है ये प्लस की होती है, छोटी वाली लेग हमारी माइनस की होती है। तो ये जो प्लस वाली लेग है इसको हमें यहाँ पे लगाना है, इस तरीके से लगाना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये जो है हमारी पिन, इस साइड में हमें रेड एलईडी को लगाना है। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे सोल्ड कर देंगे। देखिए इसको हम इस तरीके से इस पिन के साथ में सोल्डिंग करेंगे। तो मैं फटाफट यहाँ पे सोल्डिंग कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने रेड एलईडी को लगा लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा लेग है ये देखिए एक्स्ट्रा लेग को हम यहाँ से काट देंगे और ये जो एक्स्ट्रा लेग है इसको भी हम यहाँ से काट देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने काट दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ग्रीन एलईडी लेनी है। अब ग्रीन एलईडी के अंदर भी जो प्लस वाली लेग है इसको हमें इस साइड में लगाना है, ये जो इस साइड की हमारी पिन है इसके साथ में हमें लगाना है। तो यहाँ पे हम इस ग्रीन एलईडी को लगा लेते हैं, इसी तरीके से हम सेम सोल्डरिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ग्रीन एलईडी को भी लगा लिया है। तो इसकी भी जो एक्स्ट्रा लेग है इसको हम काट देते हैं। ये देखिए मैंने काट दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो माइनस वाली लेग दोनों एलईडी की बची है इसको हमें एक साथ में जोड़ना है। तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा लेग है पहले इसको हम काट लेते हैं इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हम काट लेंगे और इसको हमें एक साथ में जोड़ना है। तो इसको मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ एक बार, इस तरीके से सोल्डिंग करेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से सोल्डिंग कर ली है। अब उसके बाद हमें एक 1K का रेजिस्टेंस लेना है और ये क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस के अंदर तो कोई प्लस माइनस होता नहीं है, तो इसको हम किसी भी साइड से लगा सकते हैं। तो इसके एक लेग को देखिए हमें यहाँ पे जोड़ना है और दूसरी वाली लेग को हमें जोड़ना है इस एक नंबर पिन पे। तो मैं फटाफट यहाँ पे सोल्डिंग कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस को लगा दिया है, तो यहाँ पे ये हमारा ऑटो कट सर्किट बन के तैयार हो गया है। अब इसके हमें कनेक्शन करने हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा चार्जर है जो हमने बनाया है ट्रांसफार्मर वाला, इसके अंदर से ये दो वायर आ रही है, तो ये जो हमारे प्लस वाली वायर है इसको हमें यहाँ पे जोड़ना है, देखिए इस वाली पिन पे जोड़ना है, और ये जो माइनस वाली वायर है इसको हमें यहाँ पे जोड़ना है। तो मैं फटाफट यहाँ पे वायर को जोड़ लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने इस दोनों वायर को जोड़ लिया है जो कि हमारे इस ब्रिज रेक्टिफायर से आ रही है। अब उसके बाद हमें बैटरी चार्जिंग के लिए दो वायर निकालनी है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये वाली वायर है, ठीक है, इसके अंदर चिमटी लगी हुई ताकि हम बैटरी में लगा पाएं। तो इसकी एक वायर को देखिए जो प्लस वाली वायर है इसको तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे और जो माइनस वाली वायर है इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो मैं फटाफट यहाँ पे वायर को जोड़ लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने बैटरी चार्जिंग वाली वायर को भी जोड़ लिया है, आप देख सकते हो प्लस वाली वायर को तो मैंने यहाँ पे जोड़ा है और माइनस वाली वायर को मैंने इस पॉइंट पे जोड़ा है। तो यहाँ पे ये जो हमारे कनेक्शन है ये कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए अब इस सर्किट को हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको यूज करना है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है, तो यहाँ से अब हम ट्रांसफार्मर को सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस वायर को हम यहाँ पे लगाएंगे, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लगा लेते हैं वायर को। देखिए यहाँ पे मैंने इस वायर को लगाया और वायर को लगाने के बाद देखिए इसके ऊपर हम प्लग को लगा देंगे ताकि वायर हमारी इधर उधर ना हिले। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया और यहाँ पे देखिए मैं इस स्विच को ऑन करूंगा, तो यहाँ पे देखिए रेड रंग की हमारी LED जल गई है। अब इसके साथ में देखिए फ्रेंड, ये जो पिन है इसको हम इस टाइप की कोई भी बैटरी हो आपके पास इस टाइप की, जैसे कि मेरे पास ये है बैटरी, ये हमारी UPS की है, तो इस बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं। इस टाइप की जो बैटरी है ये मेरे पास सोलर बैटरी है, तो इस बैटरी को भी हम यूज कर सकते हैं, लूम सोलर की बैटरी को। तो अब इसके अंदर चार्ज कैसे करना है, एक काम कैसे करेगा, जैसे कि इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, बैटरी के प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस के साथ में हम इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब बैटरी हमारी फुल हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ये जो लाइट है ये हमारी ग्रीन हो जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारी बैटरी फुल हो गई है। तो यहाँ पे मैं एक दो घंटे के लिए इसको ऐसे छोड़ देता हूँ ताकि बैटरी हमारी चार्ज हो जाए और उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारी लाइट ग्रीन होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे फ्रेंड लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं इस बैटरी को चार्ज करते करते, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो रेड रंग की LED है वो बंद हो गई है और यहाँ पे ग्रीन रंग की LED चालू हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि ये जो हमारी बैटरी है ये फुल चार्ज हो गई है, इसलिए यहाँ पे हमारी हरी लाइट जलने लगी है। तो एक बार अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ से मैं बंद करके इसको हटा देता हूँ, और एक बार हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं कि हमारी बैटरी चार्ज हुई कि नहीं हुई। तो फ्रेंड ये मेरा मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को हम DC 20 वोल्टेज पर सेट करेंगे और यहाँ पे अब हम बैटरी की वोल्टेज को चेक करते हैं कि बैटरी हमारी चार्ज हुई भी है कि नहीं हुई। तो यहाँ पे देखिए मैं दोनों प्रोब पे रख रहा हूँ, तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड 12.1 के आसपास हमें वोल्टेज मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बैटरी हमारी चार्ज हो चुकी है, क्योंकि जब ये चार्जिंग से पहले ये जो बैटरी है इसकी वोल्टेज लगभग 10 के आसपास आ रही थी, अब ये 12 वोल्ट इसके अंदर आने लगी है, तो बैटरी हमारी यहाँ पे फुल चार्ज होगी है। तो इस तरीके से फ्रेंड ये हमारा ऑटो कट वाला चार्जिंग सर्किट काम करता है और इस सर्किट को बना के आप अपने घर पे भी यूज कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये काम करता है। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।